sister goes up. Good morning. आज है डे 3 इन कूर्ग और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ। वी हैव इडली डोसा चटनी एंड सांभर। ब्यूटिफुल ब्रेकफास्ट इन द नेचर। पेट को भी शांति और आँखों को भी शांति। फटाफट मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करूँगी, रेडी होंगी, फिर जीविका अंदरा पापा राज को उठाऊँगी। जीनी उठ गई है, मामूनी भी उठ गई है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू द बारी एलिफेंट कैंप। व्हाट इज टुडे? डे 3। डे 3। वेयर आर वी गोइंग? गोइंग टू नील द एलिफेंट्स। एलिफेंट कैंप, दानुबे एलिफेंट कैंप। चलो तो अभी हम निकलने वाले हैं। अंतरा इज आल्सो रेडी। अंदर का सब हो जाबा तुम्हें? मम्मी एलिफेंट एलिफेंट। हाँ तो आज है डे 3 और हम निकल रहे हैं दुबारी एलिफेंट कैंप। मैं चाहती तो थी 8 बजे के करीब निकलने को, सो दैट 9 to 11 फुल 2 आवर्स हमारे पास रहते टू स्पेंड विद द एलिफेंट्स, क्योंकि यही 2 घंटे होते हैं जब आपको वो अलाउ करते हैं उनको नहलाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए। बाकी शाम को भी ओपन रहता है, बट देन यू कैन जस्ट सी देम और जस्ट टच। और मैं चाहती थी कि बच्चे देखें कैसे नहलाते हैं, वो सुन से पानी वगैरह फेंकते हैं। तो अभी 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक आएगा हम पहुंच जाएंगे। एंट्री फीस है वहाँ पर पर्सन के हिसाब से, वो भी हमको फिगर आउट करना पड़ेगा। आई थिंक पर पर्सन 200 और समथिंग, वी हैव टू सी। तो वहाँ जाने के बाद 1 घंटा रहेगा हमारे पास। एक छोटा सा स्ट्रीम भी है जिसे क्रॉस करके हमें जाना, तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। जो भी मज़ेदार चीज़ें हम करेंगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू व्लॉग। यस, ये हमारा इन रिजॉर्ट वाला जंगली रास्ता जो हम क्रॉस कर रहे हैं। Antara, are you excited? Yes. Elephant to guard, Baba? Yes. Hey. Jenny, sit here in front of us. Raj. So, yes, let's go. पहुंच गए हम दुबारी एलिफेंट कैंप। इस तरफ हमें वॉक करके जाना है। यहाँ पे पार्किंग है। सो ये क्रॉस करके हमको जाना है, उस तरफ है एलिफेंट कैंप। जब पानी होती है तो यहाँ पे बोट्स भी चलते हैं। हल्का पुल्का पानी भी कभी कभी रहता है, बट थैंकफुली आज नहीं है। हम डाल देता नंबर बटन फोन नेटवर्क
चलने के बाद ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पे टिकट लेने थक गए। मैंने पूछा गेट पे टिकट लेते वक्त, इन्होंने कहा कि बेदिंग अभी नहीं हो रहा है बिकॉज पानी कम है। सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, इतनी मेहनत करी, पापा भी आए बट वी कांट बेद द एलिफेंट्स, और स्प्रे भी नहीं करेंगे तो बस एलिफेंट को फीड करना है, उनको छूना है, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवानी है। सिट पापा बहुत थक गए, बहुत ही टायरफुल यू नो ट्रैक था हमारे लिए, तो पापा के लिए तो और भी ज़्यादा होगा। ते ही हमारा स्वागत करके देखिए कौन है आपके गन्नू बाबा। ब्लेसिंग्स लो इसीला जीवी, जीवी डर गई, इट्स ओके। कम बिल्कुल नहीं मामू ने यहाँ ना थले। ओह वाह लुक एट दैट वन। हाँ। ओह माय गॉड आई वांट टू टच देम। एक ही चीज बुरी लगती है जो उनको ऐसे बांध के रखा हुआ है ना, दैट फील्स वेरी सैड। बादिंग अभी बंद है पानी की कमी की वजह से, तो ये संभव क्योर जिन्हें जाके देखें के पास बहुत बुरा लगता है। ये जो लीश इनके पाँव में ये कितना हैवी है, क्या कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं करती, क्योंकि बात लेकर आए हैं।
उनका सूर हड़हड़ाने का अंतर है। हम लोग जब थाईलैंड में गए थे ना तो वहाँ भी ऐसे हाथी को केज में बंद करके रखा था, तो उधर वो लोग वो हाथी हमको अपने ट्रंक से उठाता है। हाँ देखा फोटो मैंने, डर नहीं लगा था जिन्हें देखो? नहीं लगा था, वो भी बेबी हाथी, वो हाइट का हाथी उठाता है। हाथी एटू फूड है मामा, हाथी एटू खाए, घा खाए, धान खाए। तू इवन की कुड़ी है से? बाल लगी से तुम्हारे? ये रेडी हो रहे हैं एलिफेंट फीडिंग के लिए। पर पर्सन 15 रुपीस। ऐसे गोल गोल ही है ना ये बना के, अंदर ये धान है उसके ऊपर से भी हे से कवर करके ऐसे। फूड है मामा धान और वो है। आर यू रेडी टू फीड जीविका? ओ बेबी एलिफेंट उठी गई क्या चुआ खाबले अनला आ किंतु जीविका लुआ जीवी जनी ले जनी ले कोई लुआ 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 पीड़े फुट वीडियो ले सो ओ दे दिया उनको वापस। ओले बाप ओले वापस कर दिया। मुझे भूख नहीं है, नींद है तब सामने में देख रहे जीविका दिया तो खा ले ले। सुबह बोले टाइम लगे ना माँ, चीव कोई बोले टाइम लगे। जो खाना नहीं है जबरदस्ती खिला रहा है बेचारा। कभी तो टॉर्चर है ना टॉर्चर। वो नहीं खा रहे, वो नीचे रख दे रहे हैं। क्लेवर जी, वो नीचे रख दे रहे हैं। वो बेबी एलिफेंट खा रहा है अच्छे से, वो एक्साइटेड में है ना बच्चा। हटी बापू हटी बापू हटी बापू ओके 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 तुम्हें गा दुआ बोल आते ओके तुम्हें खा दिया बेबी। तो ऐसे लाइन से बैठ जाते हैं सर, 80 रुपीस में आपको एक ही मिलेगा। कम बेबी कम बेबी गुड बेबी ऐसे ओके दोनों के खाई दीबा। थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट मुझे भी का ये। थैंक यू इट्स ओके थैंक यू। ना मामा ऐसा कौन सा था नाला। हमने फीड कर दिया एलिफेंट्स को, मैंने जीविका ने और जेनी ने, हम तीनों ने ही बस किया। जीविका ने उस बेबी एलिफेंट को भी किया और अभी हम चलेंगे क्योंकि खाना भी खाना है, पानी लेना है। पानी नहीं लेकर आए हम, पानी बाहर मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता, सो मेक श्योर टू कैरी योर ओन वाटर बॉटल। तो यस आज का दिन थोड़ा शॉर्ट है, वील रिलैक्स इन द रिजॉर्ट, कैंप फायर वगैरह करेंगे। आई होप बारिश ना हो। सो यस दैट इज दुबारी एलिफेंट कैंप फॉर यू गाइस। कैसा लगा जेनी आवर एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस था। जीविका डिड यू लाइक फीडिंग द एलिफेंट्स? आई वांट टू राइड इन दैट। व्हाट? आई वांट टू राइड इन दैट। ओह बाबा सो स्मार्ट, हाथी बाबू सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। बाय। अभी लोग सब जा रहे हैं जंगल में, इट सीम्स नेचुरल खाना खाने। नाउ यू कैन पेट मामा, ही इज वॉकिंग, ही माइट नॉट लाइक।
फॉक एलिफेंट। कितना जो आ गया जो तुम्हें न जुआ हाथी बापू चलो 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 अरे हाउ विल यू वॉक पंखा बांध के रखा है यार आई थिंक ये थोड़ा शैतान होगा इसलिए बांध के रखा है भाग जाता होगा अकेले अकेले दे अभी एक आवाज़ आई थी हम लोग वापस जा रहे हैं अभी हो गया बंद 9 to 11 ही रहता है उसके बाद बंद हो जाता है फिर शाम को 2 घंटे के लिए खुलता है तो एक आवाज़ आई थी प्रॉब्ली हाथी का ही होगा बट इट साउंडेड लाइक डायनासोर का आवाज़ सो मैंने फट से कैमरा निकाला पर अभी वो बंद हो गया वहाँ पे वो हाथी जो है ना हाथी बापू पॉटी कर रहे हैं लंच के लिए आए हम यहाँ पर दिस इज कॉल्ड फिश अभी बिरयानी सिंगल के लिए आज हम लंच करने वाले सो हम लोग आ गए वापस थोड़ी सी हमने शॉपिंग करी चॉकलेट्स वगैरह खरीदे जहाँ से हमने चॉकलेट्स लिया वहाँ का मैंने शॉट नहीं दिखाया है क्योंकि जल्दीबाजी में हम गए थे दुकान में पर जहाँ से हमने अगरबत्ती वगैरह ली है सैंडलवुड की उस दुकान का शॉट्स मैंने लिया है वो मैं डाल दूँगी वीडियो में तो वहाँ से हमने धूप लिया अगरबत्ती ली और चॉकलेट वाले शॉप से थोड़ा वुडन का सामान लिया यहाँ पर वुडन स्पैचुला वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते छोटे छोटे चम्मच वगैरह अगर टाइम हो पाया तो मैं दिखाऊँगी आप लोग को और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि आज का हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे कूर्ग में कल हम निकल जाएंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट हम थोड़ा जो जंगल है वहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी करना चाहते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इनका जो स्टेट है सो आई विल टेक यू अलोंग तो ये है रेस्ट केव हाउस का बाहर का नज़ारा यू नो कॉफ़ी एस्टेट से भरा हुआ है एवरीवेयर इज़ कॉफ़ी प्लांटेशन और पेपर ये पेपर का पेड़ है और यहाँ पे ये लाल लाल जो आप देख रहे हैं दैट इज़ पेपर पापा रूम में चले गए हैं बिकॉज ही वाज टायर्ड प्लीज पापा लगा थका तो अभी हम ये नीचे जाएंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने ये हमारी अंतरा गुंडी ने कपड़ा चेंज कर लिया गाड़ी में गुला जा जीविका जुआ दिस इज़ द मोमेंट गाइज इसी वीडियो को जब मैं YouTube पे डालूंगी अंतरा जीविका बार 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 जाके ये सारी मेमोरीज देखेंगे और बोलेंगे मम्मी प्लीज़ वापस चलो लेट्स गो ऑन अ वेकेशन सो लिव द मोमेंट गाइज ये जो पल है यही है फट से गायब हो जाता है सो ईच एंड एवरी मोमेंट एन्जॉय किया कीजिए लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस और जब तक हमको इस चीज़ का वो होता है फील होता है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है विदाउट रिग्रेट्स उन्हें जीना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है सो लिव द मोमेंट किसी चीज़ का रिग्रेट मत कीजिए मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है जो है ट्रस्ट मी अगर आप देखेंगे तो आप लोग के पास बहुत कुछ है ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं शायद जिनके पास वो भी नहीं है सो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी ब्रेथ दैट यू टेक दिस इज़ माई लिटल लाइफ मंत्रा जो मैंने रिसेंटली अंदर चिल्लाते हुए
बिकॉज वो बहुत डरती है कीड़ों मकोड़ों से। बोला जीविका भी ब्रेव। सो यस, ये है मेरे लाइफ का एक छोटा सा मंत्र, लिव द मोमेंट। आपको कॉफी प्लांटेशन के थोड़े बहुत कॉफी वगैरह दिखाती हूँ। पालू पालू, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉफी। ये अभी कच्चा है, ये जब पक जाता है तब ये इसको उठा के लेके जाके फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अंदर से कॉफ़ी बीन्स निकलती है और ये पूरा का पूरा कूर के पूरे रास्ते में भरा हुआ है कॉफ़ी। छोटे छोटे पेड़ होते हैं इस तरीके के। वहाँ अंतर रोते हुए ये आवाज़ जंगल की आ रही है ना, इतना सुकून वाली है ना रियली। हमको शहरों में इसका सुख नहीं है, बट दीज पीपल जो यहाँ पर रहते हैं दे आर सो लकी। उनको सुबह शाम ये आवाज़ सुनने को मिलती है, सच म्यूजिक टू इयर्स और इतनी ताज़ी हवा। मैं लाइफ में नहीं दिखी है ना बारिश में कौन क्या क्या हवा आती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम है ना राइस केव हाउस में, वहाँ पे हम जा रहे हैं। फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, 5% बैटरी है। कितना रिकॉर्ड हो पाएगा आई हैव नो क्लू, पर जितना भी हो रहा है आई एम रिकॉर्डिंग। आगे आगे जेनी जा रही, जीविका जा रही है, उसके आगे ये जो कैटेगरी है उनके बेटे जा रहे हैं हमको दिखाने के लिए स्ट्रीम कहाँ है। और मैं इधर अंतरा पापा के पीठ में, जेनी मैं ये रास्ता कवर नहीं कर रही हूँ। आई स्विच द रिकॉर्डिंग ऑफ सो दैट मैं आपको स्ट्रीम के पास थोड़ा दिखा सकूँ। ऑलराइट, बोला जी, बोला 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 पाल के धरा मामा पूरी जावा तुम बोल फुल धरा जरे तो राज अंकल के पीछे पीछे रहते मां पाल के धरा जैसा कि सुन ही नहीं सकता पाल के उठा उठा धरा बोला धरा बोला धरा पर बोला धरा दूसरा है ईमान आ रहा जा बोला ये पता नहीं के शाम के ऑलमोस्ट 6 और तब जब मैंने लास्ट व्लॉग किया था, जो आपने लास्ट बिट देखा, वो हम जा रहे थे झरने की ओर और बैटरी ख़त्म हो गई पर नज़ारा बहुत खूबसूरत था और रास्ता बहुत ही डेंजरस। हम दो बच्चों को लेकर कैसे गए हम ही को मालूम है, यू नो रोप रोप क्लाइम करना पड़ा थोड़ी देर, हम लाइक थोड़ा सा एक स्ट्रेच और उबड़ खाबड़ पत्थर, इट वॉज वेरी वेरी टफ, बट एक बहुत अच्छा सा एक यू नो एक वो एडवेंचर भी हो गया और जो व्यू था वो भी बहुत अच्छा था। पानी अभी कम है बट स्ट्रीम बहुत ही प्यारा था और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो फ़ोटो और वीडियो मैं ले नहीं पाई। आके फिर हम नहा लिए, फ्रेश हो गए और मैंने बाल धो लिया था बिकॉज हाथी बापू ने मेरे ऊपर यू नो आशीर्वाद करते हुए फेंका था कुछ, मतलब अपना नाक साफ किया था आई थिंक मेरे ऊपर ऐसे यू नो ज़ोर से। तो अभी मैं लेकर बैठी हूँ बालकनी में चाय इधर एंड इस नज़ारे का यू नो कुछ आखिरी दीदार करते हुए इन द नेचर विद अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग हॉट टी। तो यस, मैं अपनी टी एंजॉय करती हूँ एंड स्टे अलोंग। Are you having fun, Antara? Yes, I like. But we're going back tomorrow. We're going back tomorrow to our home. No, Mom. We have to go. It's been 3 days, Antara. Our home misses us and we miss home too. No, but is this new home today? This is not our new home. This is just a vacation home that we got As for 3 days. As our vacation, no Antara, abhi dhire dhire English mein baat karne ki koshish karti. Bahut hi cute lagta hai, tutti frutti English.
Garam sir, don't touch, it's hot. Okay, eat a lick. It's hot. So campfire हो गया ready. भगवान ने हमारी सुन ली. वी आर सो लकी. बहुत आवाज आ रही थी यू नो बिजलियों की दोपहर को और बारिश नहीं हुई. क्या जस्ट अ फ्रॉग. बारिश नहीं हुई एंड दे हैव सेट अप द कैंप फायर देयर. पापा भी आ रहे हैं. आ जाएंगे थोड़ी देर में. आहा रेता ज्यादा देर नहीं. मे बी जस्ट 20 मिनट्स क्योंकि गर्मियों का मौसम है. जस्ट टू फील जंगल में कैंप फायर. वी आर डूइंग दिस. वो कम अंतरा. लुक एट दैट ब्यूटीफुल कैंप फायर राइट इन द जंगल. लाइट ऑन कर लेना. ये जंगल में रात को कैंप फायर. कैंप फायर यहाँ हो गया है रेडी. वहाँ पापा जेनी. सो हाउ वाज इट अंतरा? इट वाज फन. हेलो सो यहाँ पे हम हमारा आखिरी डिनर स्केव हाउस में खाते हुए चिंदिका और उसके पिताजी खा रहे हैं. अभी हम भी खाएंगे. पापा बाहर खा रहे हैं. जल्दी अभी तक आई नहीं. मैं उसे बार बार बुला रही हूँ. हम अपनी खाना सर्व कर रही है. कौन जीता? तू ही जीती. उसके बाद जाओ पूरा में होला गया. या सीजन जीतो ले. ए से होला गया. मामा आपको शफल कर दिया ना. पहले तेरा हमारी डांस. मामा शफल मामा शफल दे. मामा पोड़ी भी उनो शफल करा. अंता तुम्हें आने कैसे करा? चलते हम दोनों चलते हैं. आजा चलते हैं. फ्लाइंग किस दीदी आ? हम बंद कोई नहीं करते. फ्लाइंग किस दीदी आ? ओह वाह डांस फ्रॉम द सीडी. And that's a wrap to our day three in Cork. Bye, Kuidia. Three, two, one. Wow.